अब फ्रेंड्स हम देखते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। इफ नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो यानी रो जो है वो कम है कॉलम से, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो मैट्रिक्स जो है वो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज कम हो और कॉलम ज़्यादा हो, यानी एक तरह से जो मैट्रिक्स हमें सीधी लाइन प्रतीत होता हो जिसमें कॉलम्स ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें तो वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसा होता है अगर जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हो ज़्यादा हो कॉलम से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो वर्टिकल मैट्रिक्स है। यानी जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें हमारे पास फोर कॉलम फोर चार रो हैं, इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो एंड फोर्थ रो, ये हमारे पास रो हैं। और कॉलम की बात करें तो एक कॉलम एंड दो कॉलम, दो ही कॉलम है, तो इस कंडीशन में ये मैट्रिक्स जो है वो वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई।